पीडब्ल्यूडी किस बात की टैक्स लेती है गाड़ियों वाले से, किस बात का ये चलान करते हैं, कहाँ है प्रशासन, कहाँ है यहाँ के विधायक, कहाँ है यहाँ की सांसद, कहाँ है यहाँ की मीडिया। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अररिया जिला से कुर्साकांटा जाने वाली मुख्य सड़क मार्ग की जो स्थिति आप हमारे साइड में देख रहे हैं, हमारे अररिया कुर्साकांटा काली मंदिर होते हुए जो रामपुर, कोशकीपुर, मदनपुर, बोची, बटरवारी आदि जगह पे जाती है, इस सड़क की हालत काफ़ी खास्ता है। जैसा कि आप अररिया से चलेंगे, 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर का रास्ता तय करेंगे और कोशकीपुर गांव दिखेगा। कोशकीपुर गांव के कोशकीपुर चौक में सड़क की हालत इतनी जर्जर हो गई है, पानी लगे हुए गड्ढे हो गए हैं, लोग गाड़ियों की इंजन पानी में समा जाता है, लोगों के कपड़े ख़राब होते, कितनी महिला गाड़ी से गिर चुकी है, कितने बच्चे के सर फट चुके हैं। कोशकीपुर चौक की ये हालत है। कोशकीपुर चौक वालों की बता दूँ, सबके मुंह में दही जम गया है। सब इस दृश्य का तमाशा आनंद लेते हैं क्योंकि लोगों के पास मनोरंजन का साधन नहीं। इतने मूर्ख और जाहिल मनहूस किस्म के लोग हैं हमारे आसपास, हमारे समाज में, कि इन बातों पर आवाज़ उठाने के बजाय इनका मज़ा लेने का काम करते हैं। मुझे तो शर्म आती है और गुस्सा भी आता है कि काश इनको थोड़ी शिक्षा मिली होती कि लोगों की तकलीफ़ों से ये अपनी खुशी ढूंढते हैं, लोगों की परेशानियों में ये जाहिल गंवार खुशी देखते हैं। हमारा पीडब्ल्यूडी कहाँ सोए हुए हैं और इस सड़क की जिम्मेदारी किस ठेकेदार के तहत है, किसके अंडर में है, और ये सड़क आज से नहीं 2 महीने से बारिश हो रही है, बरसात का मौसम है, घंटों ट्रैफिक जाम रहता है, लोगों को एम्बुलेंस फंसे रहते हैं, लोग परेशानी में रहते हैं, कई महिला गिर गई, कई बच्चे के सर फट गए। इसके बावजूद कुशकीपुर से अररिया से कुर्साकांटा जाने वाली मुख्य सड़क मार्ग, हालांकि सड़क में बड़ी बड़ी गाड़ियों चलने का अलाव नहीं है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ इसलिए चलती है 0 माइल से जो बहादुरगंज किशनगंज की तरफ सड़क जाती है, वहाँ पर जो पुल का निर्माण हो रहा है, डायवर्सन शायद कम्प्लीट नहीं हुआ है अररिया से, जो फिर मुड़ के बरगाछी होते हुए बहादुरगंज किशनगंज की ओर बड़ी गाड़ियां जाती है, और अररिया से कुर्साकांटा जाने वाली मुख्य सड़क की मार बर्दाश्त की इंतहा ये हो गई है। ठेकेदार साहब कहाँ सोए हैं, इनके मुंशी, इनके जिनके देख रेख में है पीडब्ल्यूडी, किस बात की टैक्स लेती है गाड़ियों वाले से, किस बात का ये चलान करते हैं, कहाँ है प्रशासन, कहाँ है यहाँ के विधायक, कहाँ है यहाँ की सांसद, कहाँ है यहाँ की मीडिया, कहाँ सोए हैं, किले हैं, ईंटे हैं, पत्थर हैं, सभी गाड़ी अनबैलेंस हो जाते हैं, कई महिला पीछे जो बैठती है एक तरफ से, कई महिला वहाँ पे गिरी है, पानी में उनका कपड़ा खराब हो गया, शर्मसार हुई, और बेवकूफ़ आसपास के लोग इसको मजा का आनंद का अड्डा बना लिए हैं। हम ठेकेदार और प्रशासन पीडब्ल्यूडी विभाग से ये निवेदन करते हैं अपने न्यूज़ के माध्यम से, इस पर जल्द से जल्द कोई निर्णय लें। यहाँ पे ज़्यादा नहीं बेड मिसाली की ज़रूरत है, अगर 5-6-10 गाड़ी यहाँ पे गिरा दिया जाए तो ये समस्या दूर हो सकती है। लाखों लोग घंटों ट्रैफिक में जमा रहते हैं, बरसात का मौसम है, ऊपर से बारिश होती है, लोग भीग जाते हैं, लोगों का सामान खराब हो रहा है, इन सब चीज़ों की जिम्मेदारी किसकी है? पीडब्ल्यूडी विभाग की, परिवहन विभाग की, जो सरकार टैक्स लेती है गाड़ियों से, बड़ी गाड़ियों से, छोटी गाड़ियों से। हम लोग क्यों परेशान हैं? आखिर बिहार सरकार कहाँ सोई पड़ी है? बिहार सरकार का ये स्मार्ट शहर है, ये स्मार्ट बिहार है, ये नया बिहार है, इसी को हम नया बिहार बनाए, जहाँ रोडों में गड्ढे हैं कि गड्ढे में रोड है, सड़क है, पता नहीं चलता। जनाब, आप इस पर ज़रूर कोई निर्णय लें, और मेरी दरख्वास्त है जल्द से जल्द इस पर ध्यान देकर इस पर कार्रवाई की जाए, इस पर काम किया जाए, लोगों की परेशानियों को दूर किया जाए।